मैं खुद पे गर्व महसूस करता हूँ कि मैंने आज तक कभी VIP लेवल परचेज नहीं किया, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया जिससे मैं आपकी बेटर हेल्प कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले रह जाइस के बारे में, पोकेमोन नंबर 204 रह जाइस। तो रह जाइस दोस्त यार बहुत ही मस्त पोकेमोन है। ठीक है, इसका अभी डार्क वर्जन भी निकाला गया है, पर वो अभी हमें नहीं दिख रहा है, वो सिर्फ बड़े प्लेयर्स को दिया जा रहा है अभी। ठीक है, तो वो जब हमारे पास आएगा तो मैं आपको ज़रूर सूचित करूँगा। ठीक है, तो आज हम इसको पकड़ने वाले हैं, और मैं बता रहा हूँ अगर आप नॉन VIP हो तो आपको बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में ट्रिक दूंगा ऐसी जिससे VIP से ज़्यादा पहले तो आप पकड़ लोगे इसको। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो को करते हैं। रेजाइस एक बहुत ही पावरफुल लेजेंडरी पोकेमोन है जो हमने पोकेमोन्स में सीजन्स में देखा है उसको कई बार। ठीक है, तो चलते हैं हम यहाँ पर इवेंट पर, उसके बाद यहाँ पर हमें जाना पड़ेगा टोंटम पोकेमोन पे। तो यार आप सोच रहे हो यहाँ पर तो फाइट करना या फिर किसी से ऊपर तय भी होगा कि इसको यहाँ पे जाके हम पकड़ सकते हैं, पर मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताने वाला हूँ इसको पकड़ने की, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो गो टू पर हम क्लिक करते हैं यहाँ पर। वैसे मैं सिर्फ इसको बताऊँगा नहीं, करके दिखाऊँगा, और मैं इसको कैच भी करूँगा बिल्कुल लाइव। ठीक है, इसको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, और इस वीडियो को एक लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट करके जाना कि यहाँ आपने वीडियो देखी और आपको पसंद आई। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद हम पहुँच जाते हैं रेजाइस के पास। हम इसके पास जाकर यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो मतलब वीक था वो ख़त्म हो चुका है। मेरे पास बहुत सारे थे, मैंने सभी यूज कर दिए, जस्ट देख सकते हैं मेरे पास अभी 96 टाइम मैंने इसे फाइट की है, इतनी मेरे को फ्लूट मिली है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 100 फ्लूट करनी है, लिखा हुआ है यहाँ पे कि हमें 100 टाइम्स इससे फाइट करके 100 फ्लूट कलेक्ट करनी है। तो यार मेरी इतनी तो वो वीक नहीं बची है। ठीक है, तो हम इसको परचेज कर लेंगे। मैंने इसमें लगभग ना 400 तक डायमंड अभी तक खर्च कर दिए, और ये 50 और कर दिए, टोटल मिलाकर हो गए 450 डायमंड। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे और इससे फाइट करेंगे, तो उसके बदले हमें एक फ्लूट और मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल हो जाएंगे 97 फ्लूट। ऐसे कर करके कंप्लीट करने होते हैं, पर मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिससे, जैसे मैंने ये फ्लूट एक घंटे के अंदर कलेक्ट किए 100 के 100, वैसे आप भी कर पाएंगे। जी हाँ, ये बात सच है कि मेरे पास इससे पहले एक भी फ्लूट नहीं था, यह अभी मैंने किया है। कल एक भाई ने कमेंट किया था, यार आप लेजेंडरी पोकेमोन क्यों नहीं रखते? तो भाई इसका रीज़न यही है कि मैं यूज नहीं करता हूँ लेजेंडरी पोकेमोन। ठीक है, बाकी तो मैं रखता ही बहुत हूँ। ठीक है, बहुत ही पोकेमोन है मेरे पास लेजेंडरी, बस मैं उनका यूज नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर जो इसके साथ हमें रह जाए, इसके साथ फाइट करनी है, हमें इसकी पूरी टीम को यहाँ पर ख़त्म करना होगा। ठीक है, तो वैसे मैं अगर यहाँ पर आपके सामने लाइव इसको ख़त्म करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको धीरे धीरे मतलब ख़त्म करता हूँ वीडियो को पॉज करके। ठीक है यार, मेरे को पता नहीं था कि मेरा गोलेम भी इतना ज़्यादा पावरफुल है। वैसे आपके भी पोकेमोन इतने ज़्यादा पावरफुल होंगे, और नहीं होंगे तो उनके लिए आप नोब टू प्रो सीरीज देख सकते हैं। गोलेम ने बहुत ही अच्छा काम किया। ठीक है, तो हमने वो फाइट जीत ली और हमारे पास 97 फ्लूट हो गए है, जिसमें हमारे पास एक वीक 4 वीक अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको वो ट्रिक रिवील करता हूँ, और वो ट्रिक बताता हूँ कि हम इसको कैसे पकड़ने वाले हैं। मतलब मैं तो इसको अभी पकड़ सकता हूँ, पर आप कैसे पकड़ने वाले? ठीक है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, नीचे दिए लिंक से एक ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, वो ऐप दिखने में कुछ इस तरह का, जिसका नाम है आउट ऑफ क्लिकर। तो यार अगर ये ऐप आपके फ़ोन में वर्क ना करे तो आप प्ले स्टोर से दूसरा डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, इसलिए मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, मैंने इसको बहुत ज़्यादा ट्राई किया। तो हम इसको ओके करके सभी परमिशंस दे देते हैं पहले। मैं पहले मतलब बहुत ही काम करता था ऑटो क्लिकर से, मतलब टोटली मेरा ध्यान ऑटोमेटिक में ही रहता है। ठीक है, तो अनेबल यहाँ पर हम करते हैं और न्यू कन्फर्मिंग पर क्लिक कर देना। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस गेम पर। तो यहाँ पर हम गेम पर आ चुके हैं, और यहाँ पर हमें दिख रहा है हमारा ये क्लिकर। ठीक है, तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक फाइटिंग पोकेमोन चूज करना है आपने। देखता हूँ मैनचोप को चूज करके देखता हूँ,
गाइज वैसे मैं गारंटी लेता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप इसको सच में कैच कर पाएंगे, ठीक है, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो हमारे पास आ चुका है मैनचॉप, ओ माचप है इसका नाम, तो ठीक है। यहाँ पर इसका एक मूव होता है, वो सिलेक्ट करना हमने। इसका जो मूव होता है एक चोप नाम से, जैसे कि देख सकते हैं आप, पर होगा कहीं पर, बहुत ही अच्छा मूव होता है यार। वैसे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम इन्हीं से काम चला लेंगे। तो एक फाइटिंग पोकेमोन आपको यूज करना है इन सब में। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, सिर्फ जाकर इसके सामने बिल्कुल ऐसे टच होना है, ठीक है, समझ आ रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक प्लस के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें चूज करना है, इस पर प्ले के बटन पर यहाँ पे एक रख देना है, ठीक है। इसको ऐसे का ऐसे ही रहना है, छेड़ना नहीं है इसको। उसके बाद एक बार क्लिक करके फिर से स्टॉप कर देंगे जिससे मैच स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो मैं बिल्कुल आपको छोटे भाई की तरह समझा रहा हूँ और मैं करके भी दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इससे आपके मतलब एक या डेढ़ घंटे में आपका ये रेजी रॉइस कैच हो जाएगा बहुत ही अच्छी तरह से, ठीक है। तो हमारा अब हो चुका है, उसके बाद हमने क्या करना है, देखो दोस्त, ये घूम फिर के वापस यहीं पे आने वाला है बार बार, ठीक है, इस क्लिकर की मदद से। तो हमें जितनी बार ये आएगा यहाँ पर अपना पावरफुल पोकेमोन सिलेक्ट करके प्ले करना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है वो मैं बताता हूँ, ये आ चुके हैं। उसके बाद इसका पावरफुल मूव देख लेता हूँ मैं एक बार, पावर 70 पावर 100 पावर 100, ठीक है। तो वैसे तो मेरा पोकेमोन बहुत ही पावरफुल है मेडिचैम, पर मैं उसका यूज़ यहाँ पर नहीं चाहूँगा कि आप सबको मतलब ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो जो नॉन वीआईपी प्लेयर है या फिर कम लेवल के प्लेयर है वो भी इसको कैच कर पाए, तो उसी लिए मैंने यार ये माचम से शुरू किया, क्योंकि इसका लेवल बहुत ही कम है, ठीक है। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं यहाँ पर क्रॉस चॉप की बारी है, तो हमने क्रॉस चॉप इसको मारा, ठीक है। इसकी वीक देखते हैं कितनी पड़ी इसको, बहुत ही अच्छा इसने हिट दिया इसको। तो ठीक है, मैं ऐसे करके इन सभी पोकेमोन्स को दोबारा हराता हूँ, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो जैसे कि देख रहे हैं मैंने फाइट को जीत लिया, ठीक है। तो उसके बाद हमें जो है तीसरा बटन अपना सेट करना है, पर फिर से प्लस करेंगे और इस प्ले के बटन पर क्लिक करेंगे। तो गाइस हमारे जो है तीन बटन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। तो जो हमारा दूसरा नंबर का आपने बटन दिख रहा है ना, ये आपने जो अटैक आपका पावरफुल है उस पर ही रखना है, ठीक है। तो ये ट्रिक बहुत ही वर्किंग है और अभी आपको ट्राई करके भी दिखाऊंगा मैं पूरी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर प्ले का बटन दबा दिया है, उसके बाद मैं इसको स्क्रॉल अप कर देता हूँ, ये पूरा अपने आप चलेगा, या फिर स्क्रॉल रहने देता हूँ मैं जिससे आप इसको देख पाए, ठीक है। ओ नो, तो पहले मैं इसको एक बार सेट कर लेता हूँ प्लेयर, इसको प्ले वन को, ठीक है। तो हमारा हो चुका पूरा फिक्स, तो अब ये काम करेगा बिल्कुल, जैसे कि देखो मैं बताता हूँ, ये पहले फाइट को स्टार्ट करेगा पहला वाला बटन, और दूसरा वाला फाइट को ऑटोमेटिक करेगा। पर उसके लिए हमें अपना पोकेमोन खुद चूज़ करना होगा, क्योंकि यार इसमें प्रॉब्लम होती है, ये ऑटोमेटिक नहीं हो सकता है, पोकेमोन आगे पीछे होते रहते हैं, देखा ना आपने अभी, ये आगे पीछे होते रहते, इसने खुद ही सिलेक्ट कर मार दिया कुछ भी। तो कोई बात नहीं, मेरे सारे पोकेमोन मतलब अच्छे ही है इस चीज़ में, भिड़ लेगा ये भी। पर आपने देखा कि अभी फाइट भी खुद ही कर रहा है, मैंने इसको कोई भी प्रोसेस नहीं दिया है, ये खुद ही फाइट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे देखते हैं कब तक करेगा, मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर देता हूँ जब तक। तो मेरे पोकेमोन हराते हराते यहाँ पर लास्ट में आ चुके हैं बिल्कुल। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने अपने जो मतलब मेरे खुद के पोकेमोन है उनमें से मैंने किसी का यूज नहीं किया है, सभी वाइल्ड पोकेमोन थे, ठीक है। मैंने सिर्फ वाइल्ड पोकेमोन्स का यहाँ पर यूज किया है इनको हराने के लिए ऑटोमेटिक ट्रिक के साथ, ठीक है। तो ये ट्रिक बहुत ही अच्छी थी, आपने सबने देखा कि अभी भी अपने आप ही काम कर रहे हैं यहाँ पर, और सेनोलैक्स जो था वो हार गया था, फिर भी ये खुद ही चेंज हो गया। और जैसे कि अभी आपने देखा, इसने खुद ही एक बटन क्लिक किया और अभी ये खुद ही स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं फिर से स्टार्ट होगा कि नहीं, वैसे मैं ज़रा भी इस पर क्लिक नहीं कर रहा हूँ, ये अभी आपके सामने सब कुछ हो रहा है, ठीक है। वैसे ना यार मेरा यही सपना है कि मतलब मेरी वीडियो और नॉन वीआईपी प्लेयर्स के लिए काम आ जाए, तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। बाकी यही है, ठीक है, ये अभी स्टार्ट हो गया खुद ही, और देखते हैं अभी कि
ये स्टार्ट मैच खुद ही हो जाएगा कि नहीं होगा। लोडिंग ले रहा भी है, तो जैसे कि देख सकते हैं खुद ही मैच स्टार्ट हुआ, यानी कि मैं इसको ऑटोमेटिक पर छोड़ सकता हूँ और मैं अभी इसको ऐसे छोड़ के सो भी सकता हूँ, ये खुद ही काम करेगा। पर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप सोइएगा मत, इसको ऐसे चला के और एक बीच बीच में एक बार चेक करते रहना कि आपके क्लिक ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। बाकी दोस्तों बहुत ही अच्छी ट्रिक थी, चलो अब बात करते हैं इसको कैच करने की। अभी इन सबको मैं रोकता हूँ और खुद ही फाइट करता हूँ इसको कैच करने के लिए, ठीक है। अब बारी आ गई है मेरी। तो गाइज मैंने अपर मेरी 100 फ्लूट्स जो है कम्प्लीट कर लिए, बहुत ही अच्छी बात है, आप सबको ट्रिक बता दी है। चलो अब इसकी फाइनल बात है, कैच करने की रह गई है, वो अभी हम इसको कैच कर लेते हैं। तो फाइनली इस वीडियो को एक बार एक लाइक कर दो और देखते हैं लाइव इसको कैच करने का, ठीक है। रेजी रोक को, सॉरी रेजी रोक नहीं, रेजी आई इसको, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं बैग पर, यहाँ पर चलते हैं हम कैच पर, और कैच पे जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर रेजा इसकी फ्लूट है, इसको हमने कैच करना है। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमोन की फ्लूट्स हैं, पर इन सबको मैंने पहले ही कैच कर लिया, ठीक है, तो इनकी ज़रूरत नहीं है मेरे को। तो कॉम्बाइन यहाँ पर करते हैं और कॉम्बाइन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद हमारे पास आ चुके हैं रेजी राइस फ्लूट, मैजिक फ्लूट, ठीक है। तो हम इसको यूज करें, कर लूँ ना, ठीक है, यूज़ करता हूँ इसको। और जैसे कि देख सकते हैं कोई टास्क कंप्लीट हो गया सफारी का, रेजा इस हमारे सामने आ चुका है, देखने बहुत डेंजर लग रहा है, वैसे है नहीं इतना। तो हम इसको बैटल करते हैं यहाँ पर, टेंशन लेने की आपने ज़रूरत नहीं, यहाँ पर ज़रा सी भी टेंशन मत लो, क्योंकि हम इसको कैच करेंगे, ठीक है। तो रेजा इस हमारे सामने आ चुका है गाइस, हमने इसको मारना भी नहीं है यहाँ पे, और इसको कैच भी करना है बहुत ही बड़ी दिक्कत आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसका माचम का यूज़ नहीं करूँगा, किसी ऐसे पोकेमोन का यूज़ करूँगा जो इस पर रेसिस्ट हो, जैसे कि ये ग्रीपो बहुत ही अच्छा काम करेगा। चलो इसका यूज करता हूँ भाई, इसको बहुत कम डैमेज देना क्योंकि हमें कैच करना है, ठीक है। तो मैं सोकर पंच का यूज करता हूँ, चलो अच्छा हुआ बहुत कम डैमेज था। ओह माय गॉड, देख सकते हैं ना भाई, लोग देख सकते हैं ना गैस, इसने अभी बारिश कर दी इसके ऊपर, इसकी स्पीड घटा दी। बता रहा हूँ ना बहुत ही मतलब डेंजर सा पोकेमोन है ये भी, लेजेंडरी पोकेमोन में आता है रेजा इस। तो हम इसको कैच करेंगे अभी ग्रेट बॉल के साथ, क्या बोलते हो, मैं वीडियो को पॉज करूँ कि नहीं करूँ? चलो ठीक है, नहीं करते हैं यार, आप लोग कहते हो तो, और फिर भी मैं एक बार कर लेता हूँ वीडियो को पॉज जब तक मैं इसको कैच नहीं करता हूँ, ठीक है। बड़ा आरामी है यार ये, बड़ा आरामी है, देखो देख सकते हो ना, इसने पोकेमोन को अभी टपका दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं मेगा बीड्रिल का, वैसे तो बीड्रिल है और ये मेगा भी है, पर मैं इसको एवोल्यूशन अभी नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को पता है टपका देगा इसको सामने आते ही। अभी बहुत ही बुरा मार रहा है रेजा इस मेरे पोकेमोन्स को, तो मैंने रेजा इसको कैच कर लिया है गाइस। यहाँ पर ऊपर अनाउंसमेंट देख सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर्चून ट्रेनर मैक्स प्रेम गेट्स द लेजेंडरी पोकेमोन, देखा ना लेजेंडरी पोकेमोन रेजा इस इन सफारी। सफारी यार कितना झूठ बोलते, इतनी मैच से मिला मेरे को, इसकी जो इंडिविजुअल वैल्यू अभी कम है पर मैं इसको इंक्रीज कर सकता हूँ, मैं बताऊँगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास जायगार्डे जो लेवल था उसका एक पोकेमोन, पहला पोकेमोन आ चुका है रेजा इस। मैंने बोला था आपको कि मैं कैच करना सिखा दूँगा आपको, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली एक आइस और स्टील टाइप पोकेमोन है रेजा इस, जो कि एक लेजेंडरी पोकेमोन है। मैंने आपको बताया था कि मेरे पास बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमोन है पर मैं उनका यूज नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं इसका भी नहीं करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम चलते हैं जायगार्डे पर, तो जायगार्डे पर आप देख सकते हैं रेजा इस, मेरे पास अब रेजा इस है, इसको सिर्फ अफोर्ड वैल्यू और इम्यूनिटी लेवल देना है मेरे को, उसके बाद अल्टारिया म्यू और जायगार्डे 10% चाहिए, फिर मेरे पास होगा जायगार्डे, ठीक है। तो हम बाकी के 3 पोकेमोन्स की बात अभी करेंगे इसी सेशन में, ठीक है, इसी वीक में करेंगे हो सकता तो, पर हम करेंगे, ठीक है। तो गाइज अपने रेजा इसको जल्दी से जल्दी पकड़ो, गुड लक, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कर दो, प्यारा से कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो।